सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड में चारों धामों को जोड़ने के लिए बनाई जा रही ऑल वेदर रोड परियोजना की मंजूरी वाले एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में केंद्र सरकार की चारधाम परियोजना पर एनजीटी के क्लियरेंस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सोमवार को जस्टिस आर एस नरीमन और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पीठ ने देहरादून के एनजीओ की याचिका की सुनवाई करते हुए रोक का आदेश जारी किया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने कहा कि परियोजना को लेकर एनजीटी आदेश जारी कर चुका है, लेकिन याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन सिटीजंस फॉर ग्रीन दून के वकील संजय पारिख ने कहा कि आदेश एनजीटी की एक पीठ ने दिया था जो सुप्रीम कोर्ट के 27 अगस्त के फैसले के मुताबिक नहीं था। इसके बाद कोर्ट ने एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दी। चारों धामों को जोड़ने के लिए बनाई जा रही ऑल वेदर रोड परियोजना का बजट करीब 12,000 करोड़ रुपए का है, लेकिन इस बड़ी परियोजना में निर्माण के दौरान पर्यावरण के खिलाफ खिलवाड़ और नियमों को ताक पर रखने जैसी शिकायतें एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 15 नवम्बर को होगी। सिद्धार्थ पांडे, गो न्यूज़।